नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने के साथ साथ सिरसा कांग्रेस भवन में भी तस्वीर बदली जाने के बाद विवाद हो गया। अशोक तंवर के समर्थकों ने नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चित्र बदले जाने के विरोध में धावा बोल दिया। कांग्रेस भवन के मुख्य द्वार पर ईंट व पत्थर भी बरसाए गए। बाद में कांग्रेस भवन के प्रभारी संगीत कुमार पर भी हमला बोला गया। संगीत कुमार के साथ स्वयं को तंवर समर्थक बताने वाले लोग मारपीट करने लगे और हमलावरों में एक महिला व करीब 1.5 दर्जन लोग शामिल थे। संदीप कुमार ने इस संदर्भ में पार्टी के उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है। इसके अलावा पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस भवन के कार्यालय प्रभारी संगीत कुमार ने बताया कि कल कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस भवन में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें लगाई थी। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की तस्वीर को नहीं हटाया। यह तस्वीर आज भी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज सुबह ही एक महिला ने कुछ लोगों के साथ स्वयं को तंवर का समर्थक बताते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के बदले जाने के विरोध में तथा उनकी तस्वीरें बदलने पर उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कांग्रेस भवन के मुख्य द्वार पर ईंटें और पत्थर भी बरसाए। उन्होंने मांग की है कि हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। कितने बजे घटना है इसमें जी? संगीत कुमार परमानेंट सचिव है। तो मैं पानी पी
तो पानी पीने बाद गया तो मैं गेट पे क्या है रहा तो इन बिटवीन मेरे देख उसके पास खड़े हो पर मैं कहा सुबह भी क्या नहीं खड़े बाहर निकला तो मैं बाहर निकला तो वो लड़की मेरे को मतलब जिस हिसाब से देख रही थी तो मेरे मन में मैं तो सुबह आके ऑफिस खोला है, ऑफिस खोल के मैं धूप बत्ती करके मैं बाहर की तरफ गया हूँ तो बाहर मैंने देखा भाई चार पांच लड़के और एक लड़की उसी टाइम आके वहाँ गेट के पास खंभा है वहाँ खड़े हो गए तो वो मेरे को अजीब से तरह से देखने लगे तो मेरे को थोड़ा सा शक हो गया तो मैं साथ वाली दुकान के पास खड़ा हो गया। इन बिटवीन 25-30 लड़के और आ गए तो मैंने सोचा भाई ये तो इसे झगड़ा करेंगे तो क्या फ़ायदा है तो मैं वहाँ से चढ़ जाऊँ तो मैंने ताला लगा दिया बाहर मेन गेट पे तो मैंने ताला लगा दिया तो लड़की बोली कि भाई ये भाई साहब आपसे मैंने बात करनी है। मैं कहा भैया तेने जो भी बात करनी है वो आप यहीं करो। बोली नहीं आपको अंदर चलना पड़ेगा। वहाँ मैं अंदर नहीं जाता अरे आप गेट खोलो। वहाँ मैं गेट भी नहीं खोलता। फिर मैंने कहा मैं इधर हो गया थोड़ा सा तो उसने मेरे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए तो मेरे को बोली है आप लोगों ने तंवर को हटा दिया ये शैलजा को बना दिया क्या है ये है वो। शैलजा के बारे में अपशब्द भी कही हुड्डे के बारे में भी गलत बातें बोली इवन सोनिया के बारे में भी गलत बोली और ये कहा उसने भी तंवर तो कांग्रेस पर थूकता भी नहीं अरे उसने 25 साल काम कराया फिर भी उसको हटा दिया हमारे दलित को हटा दिया हम तंवर साहब के समर्थक हैं। मैं क्या भी अच्छी बात है आप समर्थक तो रहो तो आप गलत क्यों बोलते हो किसी के बारे में भी। शैलजा मतलब भी है वो भी दलित हैं क्या आप नहीं पहचानते। पहचानता नहीं मैंने तो पहली बार देखे हैं वो यहाँ। तो अभी तक किसी को आपने शिकायत की। अभी तक तो मैंने किसी ने नहीं कही पर मेरे को सारे ये कह रहे हैं भी आप शिकायत पुलिस में दे दियो ताकि कल को आपको ये परेशान फिर भी कर सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान को आपने कोई शिकायत दी है। कांग्रेस हाईकमान तक जो मेरे सीनियर हैं उनको मैंने बता दिया है बाकी अब देखो ऊपर क्या होता है। क्या चाहते हैं कार्रवाई चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ भी इस टाइप की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। एक स्वाभाविक काम है भी मैंने तंवर साहब की फ़ोटो ना उस टाइम हटाई थी ना अब हटाती है भी ये ठीक है कि इनके बीच में जगह पड़ी थी सोनिया जी की और राहुल जी की फ़ोटो में तंवर साहब वहीं पहले शुरू से वहीं लगे हुए हैं हाँ तो मैंने ये खाली जगह की मेरे पास फ़ोटो सबकी पड़ी हैं क्योंकि जैसे जैसे अध्यक्ष बनते हैं मैं बनवाता रहता हूँ। मेरे पास मौलाना साहब की भी है धर्मपाल की भी है राम प्रसाद जी की भी है सारी पड़ी हैं तो ये अब जब शैलजा जी बन गए तो फिर मैंने क्या चलो भी लगा देते हैं अध्यक्ष तो बनी गई उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया वो ऐसे ही खड़ी आपने भी देखी होगी बार भी वो फ्लेक्स लगा हुआ खड़ा वैसे के वैसे। तो कार्रवाई चाहते हैं लोगों ने उनके ऊपर खिलाफ होनी चाहिए। जब ऐसे मेरे को यहाँ वैसे पीट के जाएंगे तो ये मेरे को थोड़ी पीट के तो कांग्रेस को ही पीट गई। मेरे पास सूचना मिली थी कांग्रेस आगे झगड़ा कर रहा है मौके पर आया तो कोई मिला नहीं। अब ये जो यहाँ कार्यकर्ता जो संभालते हैं कुमार जी है उन्होंने अभी कंप्लेंट दी है अभी कंप्लेंट दी तो कंप्लेंट कार्रवाई कर देंगे।